EMF क्या होता है ये? इसमें ये है कि अगर कोई कंडक्टर, कोई मेटल की रॉड या कुछ भी, कोई भी मेटल की चीज अगर लेट से मूव कर रही है, मोशन, ठीक है, तो उसमें EMF जनरेट हो जाता है। तो कैसे जनरेट होता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखो, सबसे पहले जो हमने कल किया था वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर एक रॉड लेंगे, इफ यू टेक सिंपली अ रॉड, उसको मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो एटलीस्ट होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी रॉड को आप ऐसे मूव करोगे, ऐसे, सी इट्स अ ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसे, तो उसमें EMF इंड्यूस होगा, BLV, EMF इंड्यूस्ड वॉस BLV, ठीक है। आगे चल के मैं थोड़ा और आपको BLV के बारे में फिर से बताऊंगा आगे चल के, है बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। लेकिन अभी तक इतना याद हो सकता है इजी, दैट इट वाज EMF इंड्यूस्ड इज B इनटू L इनटू V, दैट वाज EMF इंड्यूस्ड। उसके बाद अगर आपने एक क्लोज्ड सर्किट बना दिया, क्लोज सर्किट, तो वो जो EMF है, E=BLV, उससे करंट भी इंड्यूस हो सकता है। करंट कैन ऑल्सो इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो करंट भी इंड्यूस हो जाता है। करंट का जो डायरेक्शन था, जो इंड्यूस्ड करंट बनता है, मोशनल EMF की वजह से जो इंड्यूस करंट बनता है, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, तो मैंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बताया था। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी है। यहाँ अपना लेंजस लॉ थोड़ा अप्लाई करके भी कर सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बताया था कल। उसके बाद मैंने कहा कि जो रॉड है जिसमें ये मोशनल EMF बन रहा है, ये रॉड ट्रांसलेशन मोशन कर रही है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर रॉड रोटेशन मोशन कर रही है, इफ सपोज रॉड इज परफॉर्मिंग अ रोटेशन, तब क्या EMF बनता है क्या उसमें, वो देखना है हमको। ये चल रहा था, याद है? तो ये डायग्राम याद करो, आपने शायद बनाया था कल ये डायग्राम। इन दिस डायग्राम ये जो रॉड दिख रही है क्या, रॉड का लेंथ एल है। सबसे पहले एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। रॉड का जो एक एंड पॉइंट है ना, रॉड हैज ओवरऑल टू एंड पॉइंट्स। एक एंड पॉइंट ले लो, उसमें से फिक्स्ड एक्सिस जा रही है, एंड अराउंड दैट एक्सिस द रॉड इज रोटेटिंग, ठीक है। और रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से EMF बनता है क्या, मतलब इज इट इंड्यूस्ड EMF होता है क्या। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि रोटेशन जब होता है, रॉड इज रोटेटिंग, सो वी कैन अज्यूम दैट दिस रॉड इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स को कलेक्ट करके ये रॉड बना हुआ है, ऐसे वी कैन अज्यूम। तो ये देखो, ये एक एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है। ये जो एलिमेंट है ना, इसका एक्सिस से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस, ये डिस्टेंस है ना, दिस इज आर, स्मॉल आर। और इस एलिमेंट का जो अपना लेंथ है, इट्स ओन लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, वो है dr, ठीक है। अब क्योंकि ये एलिमेंट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो द एलिमेंट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, इट्स r। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, देखो वेलोसिटी ऐसे होगी, सी अगर मैं आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाऊं तो ये होगी, ध्यान से डायरेक्शन भी देख लो। द वेलोसिटी इज टेंजेंट ऑन द सर्किल। आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंट ऑन द सर्किल। तो ये जो वेलोसिटी है ना, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रेडियस टाइम्स ओमेगा, आर इंटू ओमेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आज यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, हाँ, क्या मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो ये एलिमेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी वी, ठीक है। मैं ऐसा मान सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट है ना छोटा सा, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी वी। तो इसको, ये जो एलिमेंट है, इसको मैं एक छोटी सी रॉड मान सकता हूँ। थिंक दिस एलिमेंट इज काइंड ऑफ अ स्मॉल रॉड ऑफ लेंथ dr। एक एलिमेंट है ना, उसको छोटी सी रॉड अज्यूम करो कि छोटी सी रॉड है, छोटी रॉड है ऑफ लेंथ dr, और ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो हमने कल बताया था कि जब कोई छोटी सी रॉड भी या कोई भी रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, तो उसमें EMF इंड्यूस होता है ना, BLV। तो वैसे ही EMF यहां पे एलिमेंट के अंदर भी इंड्यूस्ड होगा। EMF इज इंड्यूस्ड इन द रॉड, ना EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द एलिमेंट, आई कैन से, नॉट इन द रॉड। EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट को ना आप छोटा सा रॉड की तरह ट्रीट करो, कि एलिमेंट भी एक छोटा रॉड है।
कल हमने देखा था जब रॉड मूव करती है तो उसमें ई एम एफ इंड्यूस होता है, यहां पर भी एलिमेंट मूव कर रहा है तो इसमें ई एम एफ इंड्यूस होना चाहिए। सपोज इसमें जो ई एम एफ इंड्यूस हो रहा है ना उसको मैं डीई लिख देता हूँ। डीई डी क्यों लिखा है, ई एम एफ का सिंबल ई है लेकिन छोटे एलिमेंट में छोटा ई एम एफ इंड्यूस होगा, सपोज उसका सिंबल है डीई। डीई मतलब लिटिल ई एम एफ इंड्यूस इन द एलिमेंट। ठीक है, आप में से कोई थोड़ा गैस करके बताओ, जो ई एम एफ की फॉर्मूला है वो बी एल वी होती है ना, तो ये एलिमेंट में जो ई एम एफ इंड्यूस होगा वो भी बी एल वी होगा, नो डाउट। यहाँ पे लेकिन बी एल वी को कैसे लिखूंगा मैं, मतलब थोड़ा सोचो, वट शुड बी द एक्सप्रेशन फॉर ई एम एफ इंड्यूस इन दिस एलिमेंट। बी एल वी यूज करना है, कैसे लिखेंगे बोलो, एनीबडी? एल की जगह पर डी आर, डी आर आप बोलना चाहते हो बी एल वी, लेकिन बी एल वी में एल की जगह डी आर, डी आर, ये आपका आंसर बी डी आर वी। यस, कुछ लोग यस या नो बोलो तभी मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ यस यस यस, ठीक है, ये एक्चुअली में करेक्ट है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, सो वी कैन गो अहेड नाउ। बी डी आर, अच्छा वी एक्चुअली में पैदा क्या है, वी इज अ वेलोसिटी, वी तो इतना होता है ना, वी तो आर ओमेगा होगा ना इस एलिमेंट का, वेलोसिटी आर ओमेगा होगा, तो इन प्लेस ऑफ वी आई एम राइटिंग इट एज आर इनटू ओमेगा। जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो आर टाइम्स ओमेगा होती है उसकी, तो ये हो गया। लेकिन ये पता है क्या है, इट्स अ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन जस्ट वन एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट है, यहाँ पर देखो ये भी एलिमेंट है, एकदम एकदम ये जो एक्सिस है, एक्सिस यहाँ से जा रही है, एक्सिस के एकदम नियर भी एक एलिमेंट होगा। रॉड में बहुत सारे एलिमेंट है एंड ऑल द एलिमेंट्स आर डूइंग सिमिलर मोशन, सबके सब सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सबके सब एलिमेंट्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। The EMF will be induced in the all elements. ठीक है, एक अगर मैं आपको इमेजिनेशन कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिनेशन करा दो, ये था वो, ये रॉड है, ठीक है, देखो ये रॉड है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें ई एम एफ इंड्यूस हुआ, देखो एलिमेंट सब यहाँ पर है, इसमें ई एम एफ ऐसा इंड्यूस हुआ, मतलब इस एलिमेंट का एक टर्मिनल, इस एलिमेंट का एक एंड नेगेटिव बन जाएगा, एक एंड पॉजिटिव बन जाएगा। सिमिलरली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे ईएमएफ जनरेट होंगी, ऐसे देखो ऐसे होगा, देखो मतलब सारे एलिमेंट्स में ऐसे ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये देखो, तो ये तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की तरह हो गया, सेल्स ग्रुपिंग में, तो इन सारे ईएमएफ को जब मैं ऐड करूंगा ना, ईएमएफ इंड्यूस इन एवरी एलिमेंट, सारे ईएमएफ को ऐड करूंगा, देन आई विल गेट द टोटल ईएमएफ व्हिच इज इंड्यूस्ड बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड। तो टोटल ईएमएफ कैसे मिलेगा, आपको एनी आइडिया, टोटल ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड, इंटीग्रेशन, भाई हमारा फिजिक्स का पुराना मेथड, कुछ चीजें बदलती नहीं है, सेम सेम करते रहते हैं ना फिजिक्स वाले। टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, इट इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ दिस ईएमएफ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डीई, इंटीग्रेशन ऑफ डीई विल बी ई, ठीक है, टोटल ई एम एफ विल बी गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ दिस। डी का वैल्यू डाल दो, बी आर ओमेगा डी आर, ठीक है, क्लियर। अब इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, बी कॉन्स्टेंट है, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सब एलिमेंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बी कॉमन है, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट है। कल भी बताया था मैंने, जब बॉडी रोटेट करती है एवरी पार्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ With same omega, सबका omega same होता है, तो omega बाहर जाएगा, it is just integration of RDR। अब मैं student आपके ऊपर एक काम छोड़ता हूँ, ये integration याद है ना कैसे करते हैं, integration of RDR, आप लोग करो integration, limits भी डालो, limits R की डालनी होंगी, just think over it that what should be the limits of R, limits डालो, solve करो and get me the final answer after putting limits, ठीक है, ट्राई करो, आप दो मिनट में आपको दे रहा हूं करने के लिए, ट्राई दिस टू कंप्लीट इंटीग्रेशन, करो सब लोग, उसके बाद मैं किसी एक स्टूडेंट को बोलूंगा कुछ बताने के लिए आंसर, बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो जैसा आपका चल रहा है वैसे ही चलेगा, डोंट वरी, ट्राई द आंसर।
जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा। लिमिट्स आप सोचना कि आर की लिमिट्स क्या होंगी। या फिनिश दिस इंटीग्रेशन। आर क्या है वो डायग्राम में देखो कि व्हाट इज आर, उसकी लिमिट्स डालो। लिमिट्स पुट करने के बाद वी नीड अ फाइनल रिजल्ट। सो आई होप कर लिया होगा आपने अभी तक। ठीक है, तो अब मैं स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, वही स्टूडेंट आंसर देगा। एलिना थॉमस। एलिना थॉमस। हेलो सर। या एलिना, एलिना आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ सर। बताओ आंसर। बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन टू। व्हाट इज दिस एल ओवर हियर? लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, करेक्ट है। ओके गुड, कीप इट अप, क्लोज योर माइक। ठीक है, सो एलिना थॉमस ने बराबर आंसर दे दिया। यस स्टूडेंट, तो एलिना ने बराबर आंसर दे दिया। शी सेड इट इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एवरीबॉडी गेटिंग दिस आंसर? यस सर। L is a length of rod. ये आंसर है स्टूडेंट, करेक्ट है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। ये EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड की फॉर्मूला है। या एवरीबॉडी गॉट दिस? सबका हो गया ये? सो आई होप एवरीबॉडी गॉट दिस। ठीक है, ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आपको मिल गई, नो डाउट। हाँ बोलो। या जिसे सर बोला आगे बोलो ना। सर वो आपने वो जो छोटा आर लिया है वो डीआर से उसका डिस्टेंस। देखो एक तो मैं आवाज कट रहा है। लिसन आपका पहले आवाज कट रहा है। एक बार रिपीट करो क्या बोल रहे हो। सर आपने वो जो छोटा आर लिया है ना वो डिस्टेंस है क्या? स्मॉल आर इज अ डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस, या फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ दिस रॉड। ये जो एंड पॉइंट है ना यहाँ पे, इससे वो एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो आर है। रोटेशन मोशन अगर आपको याद है उसमें एक्सिस से पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस हम लोग लेते थे वो स्मॉल आर लेते थे। याद है m1r1 square, m2r2 square, ऐसे करके होता था। वही आ रही है। आर इज अ डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। ओके सर, ओके। और यहाँ पर स्मॉल आ रही है, कोई कैपिटल आर तो है ही नहीं, आर ही बोलो चलेगा। ठीक है, हाँ। सो आई थिंक इट्स ओवर, एवरीबॉडी गॉट दिस। स्टूडेंट एक बात बताओ, ये जो भी आप फॉर्मूला इंटीग्रेशन वगैरह से डिराइव कर रहे हो ना, आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन से आ गई, ठीक है, लेकिन ये एक लॉजिक से भी कर सकते हैं। वी कैन डू इट विद अ लॉजिक आल्सो। ये फॉर्मूला देखो मैं लॉजिकली कैसे बनाता हूँ। सी डू इट। आपको मालूम है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है एलिमेंट में, ईएमएफ इंड्यूस इन द एलिमेंट इज गिवन बाय बीएलवी, है ना? ईएमएफ इंड्यूस इन द एलिमेंट इज बीएलवी। वी इज अ वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट। ठीक है, यही जो फॉर्मूला आपने बनाया ना इंटीग्रेशन से, उसको मैं दूसरे तरीके से देखो कैसे डिराइव करता हूँ। इट विल बी फ्यू सेकेंड्स इट विल टेक। ठीक है, EMF induced in any element is given by this formula, BLV. So EMF induced in the rod of length L, जो rod में EMF induced होगा, वो भी यही है BLV. लेकिन problem क्या है कि जब rod rotate करती है, तो हर every point on this rod, जब rod rotate करती है ना, every point on this rod moves with different velocity. सबका v अलग अलग होता है ना? जब rod rotate करती है, तो सारे particles का v अलग अलग होता है, ठीक है? ठीक है, सो वी ऑफ एवरी पार्टिकल इज गिवन बाय आर ओमेगा ना। सो प्रॉब्लम ये है कि वी कौन सा ले ले,
देखो सपोज इस फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग फॉर रोटेटिंग रॉड, रोटेटिंग रॉड के लिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एल इज अ लेंथ ऑफ रॉड, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग होती है ना, एवरी पार्टिकल हैज डिफरेंट वी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबसे लास्ट का पार्टिकल है ये वाला पार्टिकल, एनीबडी नोज कोई बता सकता है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वी कितना होगा, एल ओमेगा, इसका वेलोसिटी होगा एल ओमेगा, और जो सबसे इधर का पार्टिकल है, इधर सबसे इधर पार्टिकल है जो सबसे एक्सिस के ऊपर है, ऑलमोस्ट द पार्टिकल इज ऑन द एक्सिस, उसके लिए रेडियस ही जीरो हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जो सब जो एक्सिस पर है पार्टिकल, जीरो जीरो, तो वेलोसिटी जो है ना वो जीरो से लेके देखो एल ओमेगा तक चेंज हो रही है, इसका वेलोसिटी जीरो है और जो सबसे आखिरी का एलिमेंट है उसकी वेलोसिटी एल ओमेगा है, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग लीनियरली, वेलोसिटी देखो जीरो से लेकर एल ओमेगा तक लीनियरली चेंज हो रही है, जीरो से एल ओमेगा तक, तो दोनों को प्लस करके अपॉन टू कर दो तो ये हो गई ना आपकी एवरेज वेलोसिटी रॉड की, तो ये हम लोग एवरेज ले लेंगे इंटू एल इंटू बी, देखो इससे भी सेम फॉर्मूला आ रही है, हाफ बी ओमेगा एंड दिस एल इंटू एल बिकम एल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला आ रही है, सो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी डिराइव कर लेते हैं, ये तभी चलता है जब वेलोसिटी ना लीनियरली चेंज हो रही है, एक जगह वेलोसिटी जीरो है फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते दूसरी जगह एल ओमेगा हो गई, तो वेलोसिटी इज चेंजिंग लीनियरली तब ये लगती है फॉर्मूलास, ठीक है, अगर लीनियर चेंज नहीं है तो नहीं होता ये चीज, ठीक है, फिलहाल सो आई होप ये रोटेटिंग रॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इज देयर एनी डाउट इन द रोटेटिंग रॉड तो आप पूछ सकते हो, याद रखो जब भी कोई रॉड मूव करती है ना इन मैग्नेटिक फील्ड उसमें मोशनल ईएमएफ बनती है बीएलवी, ठीक है, अच्छा एक बात आपने ये रॉड में अपने ये जो रोटेटिंग रॉड है इसमें आपने बोला ईएमएफ जनरेट हुआ, मतलब वन एंड ऑफ दिस रॉड विल बिकम पॉजिटिव अदर एंड विल बिकम नेगेटिव, ठीक है वो तो हो जाएगा, चलो करंट इंड्यूस होगा क्या, करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, दैट आई वांट टू नो, डू यू फील करंट विल इंड्यूस इन दिस रॉड और विल नॉट इंड्यूस्ड, डायग्राम देख के बताओ, तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा वो मुझे चाहिए, नहीं होगा सर, एनीबडी नहीं होगा, नहीं कि होगा, नहीं होगा, रीजन सिंपल है, यहाँ पे कोई क्लोज सर्किट नहीं दिख रहा है, इट्स जस्ट ओपन रॉड इज देयर, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा बट ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो देखो आप बहुत बार अभी ऐसे केसेस देख रहे हो कि आपको दिख रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, करंट के इंड्यूस होने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए, तो देखो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो कंपलसरी है, मतलब वो हो रही है कंपलसरीली हर बार, लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए फैराडे के जो लॉज है ना, फैराडे के लॉज में ईएमएफ इंड्यूस की बात की गई है, क्योंकि ईएमएफ तो हमेशा इंड्यूस होगा, करंट मे और मे नॉट इंड्यूस, जैसे फैराडे के लॉ में ईएमएफ की बात की गई है, करंट की बात नहीं की है उसने, क्योंकि ईएमएफ हमेशा इंड्यूस होगा ऐसे केसेस में, ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिफोर आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक आई विल डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, इनके ऊपर में एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल इज नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, ठीक है, राइट ऑन द न्यूमेरिकल लिखो, अ ट्रेन, राइट ऑन, अ ट्रेन रनिंग ऑन, अ ट्रेन रनिंग ऑन मीटर गेज, ट्रेन रनिंग ऑन मीटर गेज, गेज की स्पेलिंग वही है जी ए यू जी, अ ट्रेन रनिंग ऑन मीटर गेज हैज velocity has velocity 90 kilometer per hour, 90 velocity 90 kilometer per hour full stop, calculate the emf induced, calculate the emf induced in the axle of the wheel, axle of the wheel, एक्सएल की स्पेलिंग है ए एक्स एल ई, मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड,
इन द एक्सल ऑफ द व्हील. एक्सल की स्पेलिंग स्क्रीन पर है, एक्सल ऑफ द व्हील्स, ट्रेन के जो पहिए रहते हैं ना, व्हील्स, एक्सल ऑफ द व्हील्स. इफ एक्सल ऑफ द व्हील्स, उसके बाद लिखो इफ बी एच, यहां पे लिख रहा है मैंने, यहां पे स्क्रीन पे लिख रहा हूं, बी एच, बी एच इज 4 × 10⁻⁴ टेस्ला. बी एच इज 4 × 10⁻⁴ टेस्ला. बी वी, उसके बाद बीवी भी है, बीवी लिखा है यहां पे, बी वी. बीवी कैसे लिखना है देख लो, कुछ गलत स्पेलिंग मत लिख देना बीवी का, ये है बीवी. समझ में आ रहा है? हाँ, बीवी की वैल्यू है 3 × 10⁻⁴ टेस्ला. स्टूडेंट ये बीएच और बीवी क्या है मालूम है आपको? थोड़ा सोचो बीएच और बीवी क्या होता है. ठीक है, आपने ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में सुना होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. सुना है ऐसा कुछ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट ये टॉपिक हुआ है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना? हुआ है ना? स्टूडेंट बोल तो रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स. सो आई होप आपको ये मालूम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी एच एंड बीवी. श्योर? ठीक है, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, किसी को अगर नहीं पता बी एच बीवी तो बोल दो, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा उसको. पता है ना ये? ठीक है, हाँ तो चलो वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन देन. एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, रीड इट वंस अगेन. हाँ, इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट? देयर इज अ ट्रेन. तो जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो ये ट्रेन है, बस एक ही डब्बा रहेगा, ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, ये ट्रेन है, इसके व्हील्स देखो, दिख रहे हैं ये? देखो ये दो व्हील्स है ट्रेन के. अब आपको मालूम है दोनों जो व्हील्स होते हैं ना, वो एक मेटल की रॉड से जुड़े रहते हैं. They are connected with each other with the help of metal rod. ये जो metal की rod है ना, which connects both the wheels, इस rod को बोलते हैं axle. Axle इसी rod को बोलते हैं. See to it. Axle is that rod which connects the two. अब देखो इस question में लिखा गया ना कि ये meter gauge की train है. Question में है train is a meter gauge. मीटर गेज ट्रेन मतलब दो व्हील्स के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का होगा. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू व्हील्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक्स विल बी 1 मीटर, उसको मीटर गेज कहते हैं. सो एनीबडी, ये एक्सल का लेंथ कितना होगा फिर? 1 मीटर. इजंट इट? तो ये जो एक्सल है ना, एक्सल विल बी 1 मीटर लॉन्ग. तो एक काम करो, ये जो एक्सल है ना, ये एक्सल मेटल का बना होता है. इट्स अ मेटलिक थिक रॉड. ये मेटल की थिक रॉड होती है एक्सल. तो ये एक्सल को आप एक रॉड अज्यूम करो कि एक्सल एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर ना. तो क्वेश्चन में हमारा एल 1 मीटर गिवन है, मतलब ऐसे मान सकते हैं लेंथ ऑफ एक्सल इज 1 मीटर. तो टेक एल इक्वल टू 1 मीटर लिख लो. रीजन आप ऐसे लिख सकते हो, एल इज इक्वल 1 मीटर बिकॉज इट इज अ मीटर गेज ट्रेन. मीटर गेज मतलब जो 1 मीटर का डिस्टेंस होता है व्हील्स के बीच में, या दो पटरियों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होता है. ठीक है, एल हो गया. अच्छा, अब ये ट्रेन है बेसिकली, तो ट्रेन तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगी ना. ये ट्रेन हॉरिजॉन्टली मूव करेगी. इसका वेलोसिटी देखो, ट्रेन का वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में गिवन है. डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड? या 5/18 से मल्टीप्लाई करो. आकांक्षा जोजी इज गिविंग द आंसर. वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है
ट्रेन का, तो मल्टीप्लाई 90 किलोमीटर पर आवर विथ 5/18, सो आपका वेलोसिटी जो है फिर वो आएगा उसमें मीटर पर सेकंड में. टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 5/18. रीजनिंग आपको आई एम श्योर मालूम है, नहीं मालूम है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन रीजनिंग, यू मस्ट बी नोइंग ऑन दिस. सो यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 5/18. सो जस्ट सॉल्व दिस कैलकुलेशंस, यू विल गेट 25 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी इतना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी ट्रेन का है, ट्रेन इस स्पीड से रन कर रही है. लेकिन एक बात बताओ, जिस स्पीड से ट्रेन रन करेगी, आई थिंक एक्सल भी उसी स्पीड से रन करेगा ना ट्रेन के साथ. तो ये एक्सल का वेलोसिटी है, एक्सल इज ऑल्सो रनिंग विद दिस वेलोसिटी. ठीक है, सो लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, वेलोसिटी भी रॉड को मिल गई, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, BH और BB गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो इस एक्सल में EMF इंड्यूस होगा, द EMF विल बी इंड्यूस इन द एक्सल. थोड़ा सोच के बताओ, EMF की फॉर्मूला में BLV यूज करूं कि वो रोटेटिंग वाला यूज करूं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. क्या लगता है, एक्सल ट्रांसलेशन कर रहा है कि रोटेशन कर रहा है? ट्रांसलेशन कर रहा है. ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ेगा ना, तो ट्रांसलेशन मोशन है. सो EMF इंड्यूस विल बी BLV. अब प्रॉब्लम खाली एक ही है हमारा, बी कौन सा वाला ले, वो प्रॉब्लम है. शुड वी टेक अ वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द बी और शुड वी टेक अ हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द बी, दैट इज अवर मेन ट्रबल. वही समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है जानबूझ के. देखो क्या करना होता है, एक चीज है जो मैं एक दो लेक्चर के बाद ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, अभी खाली मैं बता देता हूँ डायरेक्टली, बट आफ्टर 1 or 2 लेक्चर डेफिनेटली विल कम ऑन दिस. एक सिंपल चीज है कि ये जो फॉर्मूला ना BLV, इसमें ये जो B है ना, B इज अ मैग्नेटिक फील्ड, B और ये जो वेलोसिटी है V, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. अगर ये बाय चांस पैरल हो गए, लेट्स से B एंड V बिकम पैरल, तब EMF इंड्यूस नहीं होता है. B और V दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. अब जाके डेरिवेशन चेक करो, जब ये मैंने डिराइव किया था, जब हमने डिराइव किया तब भी B और वेलोसिटी परपेंडिकुलर थे आपस में. सो दे हैज टू बी परपेंडिकुलर. इस पॉइंट पे डेफिनेटली मैं आऊंगा एक दो लेक्चर के बाद, विल डेफिनेटली कम ऑन दिस पॉइंट अगेन. अभी फिलहाल नहीं, B और V परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो आप थोड़ा सोच के बताओ, ये ट्रेन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का कि वर्टिकल डायरेक्शन होगा? हॉरिजॉन्टल. वेलोसिटी विल बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि ट्रेन तो हॉरिजॉन्टली चलेगी ना, ट्रेन थोड़ी वर्टिकली चलेगी. हाँ, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लेना चाहिए? वर्टिकल लेना चाहिए. तो इसलिए खाली कंफ्यूज करने के लिए मैंने दोनों दे दिए, आई हैव गिवन यू बोथ, लेकिन लेना कौन सा चाहिए? वर्टिकल लेना चाहिए. ठीक है, सो काम करो, मैंने आइडिया दे दिया, हियर यू टेक बी वर्टिकल, लेंथ 1 मीटर ले लो, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ले लो, सॉल्व इट एंड गेट द EMF. अब आप आगे करो कंप्लीट, गेट द EMF. जिसको मैं बोलूंगा वही आंसर देगा, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी कुछ स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहे हैं. मे भी जिसको नाम मैं लूंगा वही स्टूडेंट मुझे आंसर देगा. ठीक है, कैलकुलेट द EMF फास्ट. हाँ नंदू जो है, माइक ऑन करो नंदू. हाँ नंदू माइक ऑन करो, नंदू जो है माइक ऑन करो नंदू. हेलो सर. हेलो सर. हाँ कुछ आवाज भी निकालो, अभी बोलो, कुछ आ रहा है आवाज? कैन यू हियर मी? हेलो, माइक ऑन किया आपने, कुछ आगे बोलो. हेलो सर. हाँ आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर. ठीक है बताओ, EMF कितना इंड्यूस होगा, कैलकुलेट किया आपने? नहीं सर, कर रहा हूँ.
अच्छा ठीक है, खाली इतना बताओ बी एच और बीवी में से कौन सा लेंगे, बी एच लेंगे कि बी वी लेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे अर्थ का कि वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे? बी एच लेंगे कि बी वी लेंगे? बोल, हॉरिजॉन्टल लेंगे ना? हाँ मैडम, इसका नाम लिख लेना आप लोग, कुछ ध्यान नहीं है इसका। हाँ वर्टिकल लेना था बेटा, ठीक है तो नंदू का ध्यान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक गोविंदा की पिक्चर थी उसमें भी नंदू था, याद है? ठीक है, शायद उसको भी आपके से ज्यादा अक्ल थी मे भी। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। त्रिवेणी काटकर, त्रिवेणी काटकर, त्रिवेणी काटकर, त्रिवेणी, त्रिवेणी काटकर माइक ऑन करो। त्रिवेणी काटकर, इनका भी आंसर नहीं आ रहा है। त्रिवेणी, नो नॉट गेटिंग आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बाकी लोग आंसर बताओ क्या आ रहा है। 75 इंटू 10^-4 वोल्ट्स, 75 इंटू 10^-4 वोल्ट्स, बराबर 75 इंटू 10^-4 वोल्ट्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, पूरा क्लियर है? सर एक डाउट था, सर ये जो एक्सल है सर वो नहीं रोटेट करता? रोटेट करता है, लेकिन वो वाइल रोटेटिंग, रोटेट एक्चुअली में रोटेट व्हील्स करते हैं एक्सल। यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि एक्सल रोटेट नहीं कर रहा, व्हील्स आर रोटेटिंग, एक्सल बीच में दोनों के फिक्स रहता है। यहाँ पर ऐसे अज्यूम करके चलेंगे, उसमें हमको नहीं जाना डिटेल में। रोटेट वो ऐसे करता है, देखो जैसे पेन रोटेट कर रही है ऐसे, तो उसको हम लोग नहीं ले पाएंगे। हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन लेंगे सिर्फ एक्सल का, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक मिनट, आप हेडिंग मत पुट करना, डोंट पुट द हेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा हमारा, हेडिंग पुट नहीं करो, वेट अ मिनट। एसी जनरेटर, हेडिंग पुट करने से पहले क्या होगा, मैं आपको एक बात सुना, आपने एंगल ऑफ डिप के बारे में सुना है मैग्नेटिक फील्ड में? एंगल ऑफ डिप, डिप एंगल, बी एच और बीवी सुना है तो डिप एंगल भी सुना होगा ना? टेल मी यस और नो, एंगल ऑफ डिप नहीं सुना है? एटलीस्ट आंसर, डिप एंगल सुना है? डिप एंगल कभी सुना है? पता है क्या होती है डिप एंगल? अमन कुमार बोल रहा है सुना है पर याद नहीं है। हाँ ये अच्छा आंसर है, मतलब जेन्युइन आंसर। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल देने की सोच रहा था कि एज अ होमवर्क दे दूं, लेकिन डिप एंगल पे सोच रहा था कि थोड़ा डिप एंगल को भी मिक्स कर दें क्वेश्चन में। क्वेश्चन विल बी ऑन ईएमएफ इंड्यूस्ड ओनली, पर मैं सोचा ईएमएफ इंड्यूस्ड में थोड़ा डिप एंगल को मिक्स कर दें। अब बोलो याद नहीं है तो कैसे होगा फिर? ठीक है लीव इट। एसी जनरेटर आई एम स्टार्टिंग, यू कैन पुट दिस हेडिंग एसी जनरेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसी जनरेटर। ओके स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड में था क्या ये एसी जनरेटर सिलेबस में? हाँ सर, एसी जनरेटर था, तो पूरा समझा रहेगा ना अच्छे से? ठीक है, तो मैं थोड़ा क्विकली करा देता हूँ। सी, एसी जनरेटर एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, इट इज अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। आपने ये सुना होगा कि पानी में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पानी में से, तो पानी में से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो तो सही है, लेकिन वो जो मशीन उसको जनरेट करता है पानी में से, उस मशीन को बोलते हैं एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। सबसे पहले मैं इसका खाली कंस्ट्रक्शन याद दिला देता हूँ जो 10th स्टैंडर्ड में भी था, कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसके बाद इसकी वर्किंग भी है, और वर्किंग बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है। ठीक है, तो 10th में अगर आपने ध्यान से नहीं किया था इसको और मीनिंग नहीं पता है इसका कैसे ये जनरेट करता है, तो अभी इसका मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एसी जनरेटर्स जो होते हैं ना, मतलब जो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन ईएमआई ओनली। फर्स्ट लुक एट दिस केयरफुली एंड देन यू कैन ड्रॉ लेटर। देखो ये तो दिख रहे हैं क्या बॉक्सेस, इसमें एक्चुअली में ये नॉर्थ पोल है ऑफ अ मैग्नेट, एंड सपोज ये साउथ पोल है, तो देयर आर टू पोल्स ऑफ द टू सेपरेट मैग्नेट्स, नॉर्थ एंड साउथ। सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मैग्नेटिक लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक लाइन्स विच आर रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सी, डायग्राम को थोड़ा नीट रखने के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग टू लाइंस, मैंने फिलहाल दो लाइन ही बनाई है, दिख रही है लाइन्स? इज इट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ना, ये मैग्नेटिक लाइन्स है, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, दे गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द बी, तो ये बी का डायरेक्शन हो गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी। इसके बाद इसके अंदर एक कॉयल रखा जाता है, याद है कुछ, रेक्टेंगुलर कॉयल होती है इसके अंदर, इसके अंदर एक्चुअली में एक रेक्टेंगुलर कॉयल होती है, सी टू इट, तो मैं वो कॉयल बना रहा हूँ, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉयल, सी ये रेक्टेंगुलर कॉयल है। ठीक है, ये जो कॉयल है ना वो एक फ्रेम के ऊपर बांधी जाती है, देयर इज अ हॉलो फ्रेम, एक फ्रेम होती है, उस फ्रेम के ऊपर ये वायर को बांधा जाता है, तो वो जो फ्रेम है ना ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा एज यू कैन सी। उस रेक्टेंगुलर फ्रेम को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? What do you call that frame जिसके ऊपर ये बांधा जाता है? Frame का नाम भी था, frame का name था armature, it's known as armature, याद है? Frame को armature कहते हैं, जिस frame पे ये वायर बांधा जाता है that is called armature। ठीक है, तो armature के ऊपर ये हमने एक वायर को बांध देते हैं, you can have n number of turns, there can be n number of turns। ठीक है, तो वायर को बांध दिया, आफ्टर वाइंडिंग इट ऑन द आर्मेचर, इसको वायर को आर्मेचर के ऊपर बांधने के बाद ये देखो, ये दोनों दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, मतलब दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉइल, ये देखो ये दो एंड पॉइंट्स है, सी दोनों एंड पॉइंट्स को ध्यान से देखो, दिख रहे हैं? अब होता क्या है कि जो रेक्टेंगुलर कॉयल दिख रहा है ना, इट्स रेक्टेंगुलर कॉयल, इट इज गोइंग टू रोटेट, इसको हम लोग रोटेट करेंगे, रोटेशन की सिंबल भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, देखो ऐसे रोटेट करेंगे, अभी किया नहीं है, सब अभी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रोटेट दिस, ये देखो एक बार, अगर ये रोटेट हो रहा है मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन भी है ना, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन अभी मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, सी द एक्सेस ऑफ रोटेशन दैट आई एम ड्रॉइंग विथ अ डॉटेड लाइन, सी केयरफुली, दिख रही है डॉटेड लाइन? डॉटेड लाइन इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ध्यान से देखो। तो पहले काम करो स्टूडेंट, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आगे अगर और बनाऊंगा तो, पहले आप इतना ड्रॉ कर लो जितना दिख रहा है, और सपोज इट इज रोटेटिंग विथ स्पीड ओमेगा, ओमेगा स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, तो मैंने ओमेगा भी लिख दिया है, ड्रॉ अप टू हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म।
हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात स्टूडेंट, ये जब ये रोटेट करेगा, सपोज ये जनरेटर विल रोटेट, रोटेट करेगा तो जो इसकी जो एंड पॉइंट्स हैं, सी द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस कॉइल, ये वाली, ये एंड पॉइंट्स भी तो ऐसे घूमते रहेंगे ना, मतलब दे विल ऑल्सो रोटेट ना, तो एंड पॉइंट्स भी घूमती रहती है। तो सी दिस नाउ, ये वाला जो एंड पॉइंट है, इसके नीचे एक मेटल का रिंग होता है, इट्स अ मेटल रिंग, ये मेटल के रिंग के ऊपर ये घूमेगा, दिस एंड पॉइंट विल मूव ऑन दिस रिंग सो दैट इट विल ऑलवेज बी इन कॉन्टेक्ट विद दिस रिंग। ये जो एंड पॉइंट है ना, वो हमेशा इस रिंग के कॉन्टेक्ट में रहेगा। सी द अदर एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, रोटेशन की वजह से ये जो एंड पॉइंट है वो भी रोटेट करेगा। तो यहाँ पर एक मेटल की रिंग है, आइडेंटिकल मेटल रिंग, तो इस मेटल की रिंग पे ये रोटेट करेगा, इट्स अ मेटल रिंग्स। तो हमेशा क्या होगा, ये जो एंड पॉइंट है ना, मेटल की रिंग के कॉन्टेक्ट में रहेगा, इवन दो इट इज मूविंग, इट विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टेक्ट विथ अ मेटल रिंग, मेटल की रिंग के ऊपर घूमता रहेगा। अभी जो दोनों रिंग्स है ना, इसमें से ऐसे दो कॉन्टेक्ट लिए जाते हैं, इससे यहाँ पर नीचे आप कुछ भी अपना रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैं बल्ब भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया ना, बल्ब है, सपोज बल्ब, यहाँ कोई रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर बल्ब है। दिख रहे? ठीक है, फिनिश दिस डायग्राम, पहले आप डायग्राम फिनिश कर लो, फिर मैं अभी समझा देता हूँ कैसे ये काम करता है। Completed everything? थोड़ा याद करके बताओ, ये 10th में था कि नहीं था, ये सेम डायग्राम था सर? हाँ सर। तो इसकी वर्किंग पूरा अच्छे से पता है? छोड़ दूं मैं वर्किंग के, थोड़ा बतानी पड़ेगी, वो बताओ सर। नहीं सर, बताना। बताओ सर। अच्छा, डायग्राम भी अलग था सर, वो इसके बदले ना कार्बन ब्रश था। अरे कार्बन ब्रश इसमें भी होता है, लेकिन वो माइनर चीज है, उसमें मतलब उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कार्बन ब्रश क्या होता है पता है? ये जो कॉइल का एंड पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो, ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट जो है वो इस मेटल रिंग के साथ कांटेक्ट में है ना, वो कार्बन ब्रशेस के थ्रू कांटेक्ट होता है वो। अच्छा, मतलब वो टेक्निकल चीज है, मतलब जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पर। ओके सर। मतलब वर्किंग में उसका कोई खास रोल नहीं है, वर्किंग समझने में वो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डायग्राम हो गया ना कम्प्लीट? ठीक है, फिनिश्ड। Yes, sir. तो चलो अभी देखो, डायग्राम मैं रिमूव कर देता हूँ, आपके पास डायग्राम है, आप उसी डायग्राम को रेफर करो। I am changing the page. डायग्राम अभी मेरे पास नहीं है, पर आपके पास रहना चाहिए सामने। ठीक है, अब वर्किंग। ठीक, अब स्टूडेंट अपना जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखो, उसमें जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, देयर इज अ कॉयल रेक्टेंगुलर शेप, दिस कॉयल इज हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें एन टर्न्स है इस कॉयल में। ठीक है, अभी जो कॉयल है ना, उसमें से देखो फ्लक्स पास हो रहे हैं क्या उस कॉयल में से? मैग्नेटिक फ्लक्स? यस यस सर। थोड़ा सोच के बताओ, अगर सपोज स्टार्टिंग में ऐसा है कि वो जो कॉइल है ना, कॉइल में से फ्लक्स जा रहे हैं, स्टार्टिंग में जो फ्लक्स है ना, वो सपोज नॉर्मली जा रहे हैं, द फ्लक्स आर पासिंग नॉर्मली परपेंडिकुलरली जा रहे हैं, तो याद है BA cos थीटा लेने की जरूरत नहीं होती, यू कैन टेक सिंपली BA। ठीक है, सपोज स्टार्टिंग में मतलब जब रोटेशन चालू भी नहीं हुआ है, आई एम स्टार्टिंग मीन्स दैट, सपोज जब रोटेशन चालू भी नहीं हुआ है, हमने कॉइल को ऐसे रखा है कि फ्लक्स आर पासिंग परपेंडिकुलरली फ्रॉम दैट कॉइल, तो फ्लक्स कितने होंगे? B इंटू A होंगे ना। या चलो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो स्टार्टिंग में सपोज कॉइल ऐसा रखा हुआ है, सी ये कॉइल है, ऐसा रखा है, और मैग्नेटिक जो फील्ड है वो ऐसे जा रही है, सी Look at student, suppose में ये situation है,
ठीक है, बीच में आपको वर्टिकल दिख रहा है ना, ये कॉयल है। सो स्टार्टिंग में दिस मैग्नेटिक लाइंस आर पासिंग नॉर्मली फ्रॉम दिस, नॉर्मली जा रही है। सो ये देखो ध्यान से, ये एरा वेक्टर बना रहा हूं मैं, एरा वेक्टर सीरीज। ये स्टार्टिंग सिचुएशन है, इन द बिगिनिंग द मैग्नेटिक लाइंस आर गोइंग परपेंडिकुलरली थ्रू दिस कॉयल। देखो कॉयल ऐसा है, ये कॉयल है, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जा रही है, परपेंडिकुलरली दे आर पासिंग थ्रू दिस कॉयल। ठीक है, सो व्हाट्स द एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में कितनी एंगल होगी? जीरो। जीरो। न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं, न्यूमेरिकल में स्टूडेंट सोचते हैं 90 डिग्री होगी, वो सोचते हैं सर क्योंकि न्यूमेरिकल में लिखा होता है द मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू द कॉयल, ऐसा लिखा होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स टू द कॉयल, तो स्टूडेंट को लगता है कि राइट एंगल लिखा है मतलब थीटा 90 लेनी है, नहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, कितनी लेनी है वो, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला, एक्चुअली बी ए कॉस थीटा, कॉस ऑफ जीरो डिग्री, कॉस जीरो बिकम वन, कॉस ऑफ जीरो इज वन, फ्लक्स कितने हो गए बी ए। ठीक है, हाँ, तो ये स्टार्टिंग में है, जस्ट स्टार्टिंग में, अभी ध्यान से सुनो स्टूडेंट, ये कॉयल है ना, इट इज नाउ स्टार्टिंग रोटेशन, कॉयल रोटेशन चालू करेगी, कॉयल विल रोटेट। सो सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ कि द कॉयल विल स्टार्ट रोटेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो पे, जिस टाइम पे इसने रोटेशन चालू किया वो टी इक्वल्स टू जीरो है। अब एज द टाइम विल पास, जैसे टाइम पास होगा ये कॉयल रोटेट करेगी फर्दर। सपोज कॉयल कम्स इन दिस पोजिशन, देखो देखो कॉयल ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे ये देखो ऐसे ऐसे रोटेट हो गया। सो जब रोटेट होगा तो एरिया वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा, एरिया वेक्टर विल ऑल्सो रोटेट ना। देखो अभी एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो और समझो उसको, ठीक है। डू यू फील द एरिया वेक्टर हैज रोटेटेड बाय सम एंगल ना, द एरिया वेक्टर हैज रोटेटेड बाय दिस मच एंगल थीटा, और जो ये टाइम लगा है द टाइम इन विच दिस कॉइल इज रोटेटेड, टाइम रोटेट के लिए लगा है टी, मतलब टी टाइम में, टी टाइम में एरिया वेक्टर हैज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, टी टाइम में द एरिया वेक्टर हैज रोटेटेड बाय थीटा एंगल। कॉइल को भी मैं बोल सकता हूँ कॉइल हैज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, तो ये एक स्टेटमेंट लिख लो आप पहले, लेट ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूँ, लेट द कॉइल स्टार्ट्स रोटेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो, लेट द कॉइल स्टार्ट्स रोटेशन एट टी इक्वल्स टू जीरो एंड द कॉइल रोटेट्स, एंड द कॉइल रोटेट्स बाय द एंगल थीटा, कॉइल रोटेट्स बाय द एंगल थीटा इन द टाइम टी, कॉइल रोटेट्स बाय द एंगल थीटा इन द टाइम टी। ठीक है, तो एक बात बताओ, थोड़ा सोच के आंसर देना, कॉयल ने ना थीटा एंगल कवर किया है, इट हैज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, इधर मैंने लिखा है थीटा, तो कितने टाइम में वो रोटेशन इसने थीटा कवर किया है, टी टाइम में, थोड़ा सोच के आंसर देना, व्हाट विल बी थीटा अपॉन टी, एनीबॉडी? ओमेगा, ओमेगा ऑफ द रोटेशन, यस, याद है थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रोटेटिंग कॉयल, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा बाय टी विल गिव यू ओमेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे, गिव इट फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हाँ, अब बताओ अभी इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहे हैं नाउ, ये जो अब कॉयल है ना वो रोटेट हो चुकी है बाय थीटा एंगल, अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉयल, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉयल एट टाइम टी, मुझे ये चीज फाइंड करनी है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉयल एट टाइम टी, टी टाइम पर कितने फ्लक्स जा रहे हैं वो चाहिए मुझे एट टाइम टी। तो एट एनी जनरल टाइम टी, टी इज ए जनरल टाइम, कोई भी टाइम है,
किसी भी टाइम पे फ्लक्स कितने जा रहे हैं वो चाहिए. ये जो आपने पहले निकाला बी है, इज इट इनिशियल फ्लक्स ना, मुझे इनिशियल फ्लक्स नहीं चाहिए. एट एनी टाइम टी कितने फ्लक्स जा रहे हैं वो चाहिए. तो फ्लक्स एट एनी टाइम टी, दैट फ्लक्स विल बी गिवन बाय बी इनटू ए कॉस ऑफ एंगल. देखो टी टाइम पर, जब टी टाइम हुआ है, व्हाट्स द एंगल बिटवीन बी एंड ए, थीटा है ना. सो बी ए कॉस थीटा होगा. थीटा इज एंगल एट दैट टाइम. सो फ्लक्स पासिंग एट टाइम टी विल बी गिवन बाय बी ए कॉस थीटा. ठीक है. अब एक बात बताओ स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, एज अ टाइम विल पास, ये कॉयल और रोटेट करेगा, द कॉयल विल फर्दर रोटेट. थीटा एंगल कांस्टेंट रहेगा क्या कि चेंज होगा? चेंज होगा, चेंज होगा सर. ध्यान से सोचो, हाँ सर चेंज होगा. यस चेंज होगा. ठीक है. तो एक बात, अगर ये थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ये थीटा चेंज होगा, मतलब कॉस थीटा का टर्म भी चेंज होता रहेगा कंटिन्यू. अगर कॉस थीटा का टर्म चेंज होता रहेगा मतलब फ्लक्स भी चेंज होंगे ना फिर. तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे कॉयल रोटेट करती है द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉयल चेंज होते हैं. फ्लक्स कीप्स ऑन चेंजिंग. और आपको पता है जब किसी कॉयल में से फ्लक्स चेंज होते हैं तो क्या होता है? ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट कॉयल ना. ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा ना. ठीक है. सो फ्लक्स चेंज हो रहे हैं इसलिए उस कॉयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. ये बिल्कुल सिंपल है. मैं एक एग्जाम्पल, मतलब समझ तो गया होगा आई एम श्योर, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. एक काम करो स्टूडेंट, अगर आप एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक, रेक्टेंगुलर फ्रेम, उसको धूप में रख दो, सनलाइट के नीचे, सनलाइट के नीचे रख दो, तो उसमें से सनलाइट पास होगी ना. जितनी लाइट, जितनी सनलाइट रेक्टेंगुलर फ्रेम से पास हो रही है मुझे उसमें इंटरेस्ट है. अब आप फ्रेम को, सपोज मेरे हाथ में रेक्टेंगुलर फ्रेम है, अगर मैं उसको ऐसे रोटेट करूँ ऐसे ऐसे, तो उसमें से जो उसके बीच में से सनलाइट निकल रही है वो कम ज्यादा होती रहेगी. ठीक है. तो वैसे यहाँ पे फ्लक्स भी कम ज्यादा होते रहेंगे. तो फ्लक्स आर चेंजिंग. एक काम करो, टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट, टेक अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टेक अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इधर आएगा डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी. बी और ए का डेरिवेटिव नहीं होगा क्योंकि बी और ए कांस्टेंट है, कॉइल की एरिया थोड़ी बदल रही है, थीटा चेंज हो रहा है एक्चुअली. सो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा होगा, व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा? माइनस साइन थीटा. देखो स्टूडेंट, मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा यहाँ पर, लेकिन एक बार ये डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा हो गया, फिर अंदर की थीटा एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है. यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ इनर थीटा. सो साथ में एक और टर्म आएगा डी थीटा बाय डी टी, ये भी आएगा. कॉस का डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद अंदर थीटा का डेरिवेटिव लेना होता है सेपरेटली, डी थीटा बाय डी टी. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ना, उसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ. दोनों साइड माइनस वन से सपोज मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी. माइनस डी फाइव बाय डी टी इक्वल टू बी ए. ठीक है, साइन थीटा तो है, ओके. थोड़ा सोच के आंसर देना. ये देखो डी थीटा बाय डी टी है, डी थीटा मतलब स्मॉल एंगल कवर्ड एंड डी टी इज अ स्मॉल टाइम इन विच इट इज कवर्ड. डी थीटा बाय डी टी ये भी ओमेगा ही, ओमेगा ही. डी थीटा बाय डी टी भी ओमेगा ही होगा, इट इज इंस्टेंटेनियस ओमेगा. स्मॉल थीटा अपॉन स्मॉल टाइम है ना डी थीटा बाय डी टी, तो ये ओमेगा ही रहेगा. यस, सीधा ओमेगा भी आएगा. हाँ अच्छा, एक चीज मैं भूल गया हूँ, मैं अभी इसको बता देता हूँ. देखो ये जो आपने फ्लक्स बोले ना, फ्लक्स आपने लिखा बी ए कॉस थीटा, ये राइट है. फ्लक्स आर गिवन बाय बी इनटू ए, बट बी इनटू ए इज अ फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न. अगर कॉयल में एक टर्न है, ऐसा एक ही टर्न है कॉयल में, तो एक टर्न से जितने फ्लक्स जाते हैं वो गिवन होता है बी इनटू ए से. लेकिन अगर कॉयल में एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सपोज दिस कॉयल इज हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो फ्लक्स विल बी एन टाइम्स हो जाते हैं. टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द टर्न्स विल बी यहाँ पे एन मल्टीप्लाई होगा उसके लिए. स्टूडेंट अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे मतलब एन मल्टीप्लाई कर दो, इधर बिगिनिंग में, नहीं तो लास्ट में मल्टीप्लाई करो चलेगा. फ्लक्स विल बी एन बी ए कॉस थीटा एक्चुअली, तो एन में भूल गया एक्चुअली. अगर आगे पॉसिबल नहीं तो पीछे मल्टीप्लाई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पीछे एन लिख दो भले, इधर सी दिस.
लास्ट स्टेप में एटलीस्ट एन आगे लिख दो, इट बिकम एन बी ए ओमेगा साइन थीटा. देखो यहां तक पहले फिनिश करो अच्छे से. मेरे बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कितने 11 बजे है कि पौने 11 है? नेक्स्ट नहीं सर, आपकी क्लास है तो मैं आज 4 से 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा एट एनी कॉस्ट. 4 टू 5 मिनट्स वी हैव टू एक्सटेंड. ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर है तो 4 मिनट्स और 5 मिनट्स एटलीस्ट वी हैव टू एक्सटेंड. ठीक है, हां तो कोई लॉग आउट नहीं करेगा 10:30 पे. ठीक है, वी हैव टू गो फर्दर, 5 मिनट्स एक्सटेंड करेंगे आज. चलो सो मल्टीप्लाई बाय एन कर दिया, इधर भी एन आएगा. अब ध्यान से देखो, माइनस डी फाइव बाई डी याद है, माइनस डी फाइव बाई डी इज एक्चुअली ईएमएफ इंड्यूस्ड. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज गिवन बाय माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो ये ई क्या पता है, दिस ई इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल. ये है ईएमएफ, चार या पांच स्टूडेंट ने अभी लेफ्ट आउट क्यों किया भाई, बोला तो सही मैंने अभी. लेफ्ट मत करना बोल रहा हूं मैं. ठीक है, ठीक है. सो माइनस डी फाइव बाई डी ई होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड. अब यहां पे देखो एन बी ए ओमेगा, तो मैं एज इट इज रखूंगा फिलहाल, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा. आपको याद है थीटा जो है ना, थीटा इज एंगल कवर्ड बाय द कॉइल. थीटा एट एनी टाइम कैन बी गिवन बाय ओमेगा इन टू टी. थीटा को हम लोग ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं एट एनी टाइम. थीटा को हम लोग ओमेगा इंटू टी लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा है ना, लिखेंगे हम साइन ऑफ ओमेगा टी. सो ईएमएफ इज गिवन बाय एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, आई एग्री. इसको हम लोग छोटा करेंगे, डोंट वरी. इसको लेकिन बॉक्स में पुट करो, इंपॉर्टेंट है ये, पुट इट इन टू द बॉक्स. तो फॉर्मूला एक्चुअली में डिराइव हो गया, दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला, बट इसको थोड़ा समझेंगे क्या है एग्जैक्टली, उसके लिए आई नीड सम टाइम. ठीक है, सो एवरीबॉडी गॉट दिस, ईएमएफ इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? हाँ सर. ठीक है, सो चलो मैं अभी इसको थोड़ा समझा देता हूँ अभी ये क्या है एक्चुअली. देखो द ईएमएफ विच इज इंड्यूस ना, इट इज गिवन बाय एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ये क्या है, दिस इज ईएमएफ इंड्यूस एट टाइम टी. अगर आपको कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है एट टाइम टी, टी टाइम पे कितना ईएमएफ इंड्यूस है वो निकालना है, तो उसकी फॉर्मूला है ई इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ. ई इज ईएमएफ एट टाइम टी, ईएमएफ है टी टाइम पर. ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अब देखो टाइम जो है वो तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, टाइम इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ये जो टर्म है ना साइन ओमेगा टी, ये टर्म कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा क्योंकि इसमें टी प्रेजेंट है. साइन जो है ना साइन ओमेगा टी, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, साइन है. साइन जो है ना वो माइनस वन से लेकर प्लस वन तक वेरी करता है ना, ये तो आपको मालूम है मैथ्स में. साइन टर्म कैन चेंज फ्रॉम माइनस वन टू व्हाट, प्लस वन. माइनस वन उसकी मिनिमम वैल्यू है, प्लस वन उसकी मैक्सिमम वैल्यू है. और साइन का टर्म जीरो भी होता है, वाइल मूविंग फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन इट बिकम जीरो ऑल्सो. सो एक बार बताओ, जब साइन का वैल्यू माइनस वन होगा, साइन का जो टर्म है वो माइनस वन हो गया, माइनस वन, सो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, माइनस एन बी ए ओमेगा होगी. और जब साइन का वैल्यू प्लस वन हो जाएगा, व्हेन साइन विल बी प्लस वन, या सॉरी कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ, जस्ट अ मिनट, अभी आवाज आ रहा है? यस सर. हाँ, तो आई वाज सेइंग जब साइन का वैल्यू माइनस वन होगा तो ईएमएफ विल बी माइनस एन बी ए ओमेगा. साइन का वैल्यू माइनस वन होगा जब, और जब साइन का वैल्यू प्लस वन होगा, सपोज ये साइन का वैल्यू प्लस वन हो गया, तो प्लस वन इंटू एन बी ए ओमेगा, तो ईएमएफ कितना आएगा, प्लस एन बी ए ओमेगा. तो आपको इसमें समझ में आ रहा है कि जो ईएमएफ है ना
जो इंड्यूस ईएमएफ है वो माइनस एन बी ए ओमेगा से प्लस एन बी ए ओमेगा तक चेंज होती रहेगी. तो मतलब ये जो ईएमएफ है ना, दिस ईएमएफ इज एक्चुअली ऑसिलेटिंग. ईएमएफ ऑसिलेट करेगी बिटवीन माइनस एक्सट्रीम टू प्लस एक्सट्रीम. स्टूडेंट आपने ऑसिलेशन चैप्टर किया है ना, यू डन ऑसिलेशन चैप्टर? हाँ सर. ऑसिलेशन में एक फॉर्मूला थी, जब कोई बॉडी ऑसिलेट करती है ना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी, displacement is given by this formula, x equal to a sin omega t. देखा है ये formula कभी? हाँ. जो body oscillate करती है, ये it's a equation of oscillation. Compare this equation with our equation. हमारा equation ये है. इसको और इसको compare करो तो आपको समझ में आएगा दोनों same है. यहाँ पर भी sin omega t है, यहाँ पर भी sin omega t है ना? तो दोनों similar है. तो actually में हमारा जो EMF है ना, वो oscillate कर रहा है. It's a oscillating EMF. मतलब ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, ईएमएफ जीरो होगी, फिर बढ़ेगी, बढ़ते 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 वो एन प्लस एन बी ओमेगा तक बढ़ेगी, यहां तक प्लस एन बी ओमेगा तक, फिर कम होके जीरो हो जाएगी क्योंकि वो ऑसिलेट कर रही है, फिर जीरो से वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगी. नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब माइनस एन बी ओमेगा हो जाएगी. ईएमएफ माइनस हो गई उसका क्या मतलब है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस ईएमएफ. बट मैथमेटिकली ये प्रूव हो रहा है कि जब साइन का वैल्यू माइनस वन होगा तब ईएमएफ भी माइनस वन हो जाएगी. ठीक है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माइनस ईएमएफ, दैट आई विल टेल यू टुमारो. बट ईएमएफ यहां पे ऑसिलेट हो रही है, तो इज इट अ कांस्टेंट ईएमएफ और ये चेंजिंग ईएमएफ है, क्या लगता है आपको? चेंजिंग है. ईएमएफ को, इस ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ. इट्स अ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ठीक है, ओके. अब एक लास्ट पॉइंट, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इसका एक लास्ट पॉइंट ध्यान से देखो. आपने बोला कि जो ईएमएफ है ना वो माइनस एन बी ए ओमेगा से प्लस एन बी ए ओमेगा तक चेंज होगी. मतलब इसका जो पीक वैल्यू है, द पीक वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ, इट्स एन बी ए ओमेगा ना. द व्हाट इज द पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी तक जाती है, मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू बोल सकते ना. पीक वैल्यू कितना है इसका ईएमएफ का? एन बी ए प्लस एन बी ए ओमेगा, प्लस एन बी ए ओमेगा ना. तो ये जो एन बी ए ओमेगा है ना स्टूडेंट, एन बी ए ओमेगा, ये पीक वैल्यू है. इसको हम लोग पीक वैल्यू को हम लोग ई जीरो करके लिखते हैं. ई जीरो, ई जीरो इज अ सिंबल फॉर पीक ईएमएफ. ठीक है, एन बी ए ओमेगा को हम लोग पीक बोलेंगे और वो उसको सिंबल क्या है पीक के लिए, ई जीरो. तो यहाँ पर देखो एन बी ए ओमेगा है ना, ये ना, इसको मैं ई जीरो लिख सकता हूँ. आई कैन राइट इट एज ए ई जीरो, मतलब पीक वैल्यू. तो यही फॉर्मूला आपने जो ऊपर लिखी है ये वाली, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to E zero sine omega t. ये देखो थोड़ा छोटा हो गया ना, बार बार कौन N B A omega बैठ के लिखेगा. उससे अच्छा याद करो N B A omega को हमने substitute करके E zero लिख दिया. E zero we substituted in place of N B A omega. बट आपको ये भी याद होना चाहिए कि N B A omega जो है, which is E zero, it is a maximum EMF, peak EMF है ये. ठीक है, आज यहां तक क्लियर कर लो एटलीस्ट. ठीक है, थोड़ा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट टेक्स टाइम. कल मैं इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि ऑसिलेटिंग ईएमएफ मतलब क्या होती है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होती है, थोड़ा कल और डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो आपने घर में सुना होगा ना, आपके घरों में एसी करंट आता है कि डीसी आता है आपके घरों में जो पहुंचता है? जो जो बाहर से शहर में करंट आता है वायर वगैरह में से, वो एसी होता है डीसी होता है? एसी करंट. एसी. तो ये आप एसी करंट ऐसे ही बनता है. दिस इज अ यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एसी. ये जो ईएमएफ है आपने बताया, ये ईएमएफ अल्टरनेटिंग है, मतलब ईएमएफ चेंज हो रही है, तो इसी को एसी कहते हैं. यू आर राइट नाउ लर्निंग द बेसिक्स ऑफ एसी. ठीक है, तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. इंपॉर्टेंट है, एसी वगैरह समझना है तो कल अटेंड करना लेक्चर. ठीक है, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, ठीक. हाँ मैडम, लेक्चर हो गया. अब जिनको संडे का छुट्टी मनाना है जाओ भले. ठीक है, जिनको डाउट है भले पूछ सकते हैं कुछ. हेलो सर. हेलो सर, बोलो सर. वो ये जो d5/dt है सर, अगर ये d5 में एक सम था, उसमें 5 को मिली सेकंड में लिया हुआ था, और जो आंसर था वो सर मिली वोल्ट में आया. फाई जो है वो टाइम थोड़ी है, फाई तो फ्लक्स है. फ्लक्स को कैसे मिली सेकंड्स मिलेंगे? फ्लक्स को सर तो वो मिली वेबर्स मिली वेबर. सर वो फाई के लिए ना एक वो लोग ने इक्वेशन ली थी, ऐसा 6t² + 7t + 1
और उसमें कहा था जो टी है वो मिली सेकेंड में है। हेलो सर,